Hello everyone, welcome to the channel Decode History. Today's topic is the Battle of Chanderi. First, I'll explain you the topic and then I'll ask you a question which you need to answer. So, let's get started. दी बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था बैटल ऑफ़ खंवा के कुछ दिन बाद जहाँ पे मुगल एम्पर बाबर ने राजपूत एंड अफगान्स के कॉन्फेडरेसी जिनको लीड कर रहा था बाईराना संगा ऑफ मेवार को डिफीट किया था बैटल ऑफ खंवा के विक्ट्री के बाद बाबर पूरे अच्छे तरीके से इंडिया में सेटल हो गया था एंड उनके सेंटर ऑफ़ पावर एंड उन्होंने क्या किया था उनका जो सेंटर ऑफ़ पावर था उन्होंने शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम काबुल टू दिल्ली। चंदेरी जो प्लेस था वो बिल्कुल बॉर्डर में था किसका मलवा एंड बुंदेलखंड का एंड देयरफॉर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बाबर को जैसे ही न्यूज़ मिला कि राणा संगा दोबारा वॉर का प्रिपरेशन कर रहा है ताकि वो दोबारा बाबर के ऊपर हमला कर सके तो बाबर ने भी डिसाइड किया कि राणा संगा को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दे कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा बाबर के ऊपर अटैक ना कर पाए तो इसीलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने मेदिनी राय को मार दिया जो कि मालवा का रूलर था एंड राणा संगा का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर था इन डिसम्बर फिफ्टीन टेकिंग लेंदी एंड वेग रूट बाबर फोर्ट्रेस ऑफ चंदेरी में गया जो कि मालवा में है चंदेरी पहुँच कर ऑन ट्वेंटी जनवरी 1528, बाबर शामशाबाद मेदिनी राय को ऑफ़र किया चंदेरी के बदले में और एक पीस ट्रुटी ऑफर किया बट इस ऑफ़र को मेदिनी राय ने रिजेक्ट कर दिया जैसे ही मेदिनी राय ने बाबर का ऑफ़र रिजेक्ट किया उसी नाइट में बाबर ने आउटर फोर्ट्रेस ऑफ चंदेरी को कैप्चर कर लिया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में बाबर अपर फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया बाबर ने खुद ये एक्सप्रेस किया कि इतना इजीली अपर फोर्ट वो कैप्चर कर लेगा विद इन वन आर ऑफ फाइनल असल्ट उन्होंने एक्सपेक्ट भी ये नहीं किया था बाबर फोर्ट कैप्चर करने के बाद मेदिनी राय ने जौहर सेरेमनी अरेंज किया जिसमें सारे राजपूत विमेन एंड चिल्ड्रन सुसाइड कमिट किया मुग़ल आर्मी की डर से ताकि मुगल आर्मी उनको कैप्चर ना कर ले इसी डर से जितने भी राजपूत विमेन एंड चिल्ड्रन थे उन्होंने जौहर करके उन्होंने सुसाइड कमिट किया एक छोटा सा सोल्जर का ट्रुप मेदिनी राय के हाउस में घुस के उनका सारा ट्रेजरी लूट लिया एंड सभी को मार दिया बट ये सक्रीफाइज बाबर को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया और वो इस बारे में कोई भी वर्ड एक्सप्रेस नहीं किया अपने ऑटोबायोग्राफी में रेदर जैसे उन्होंने बैटल ऑफ खनवा के बाद किया था वैसे ही एक स्कल का टावर बनाने का ऑर्डर दिया एक ऐसा प्रैक्टिस जो ताइमूर अपने एनिमीज के साथ करता था ये टावर ऑफ स्कल इसीलिए किया जाता था टू शो कि वो कितना पावरफुल है एंड उनके विक्ट्रीज के हिसाब रखने के लिए एंड एनिमीज के, के मन में डर पैदा करने के लिए और अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने के लिए टावर ऑफ स्कल बनाया जाता था ऐसा सतीश चंद्र का मानना है बाबर ने ये टैक्टिक्स पहले भी यूज किया था अगेंस्ट अफगान्स ऑफ बजौर क्विक हाईलाइट डेट कब हुआ था ये बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था दैट इज़ ऑन जनवरी ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी एट लोकेशन क्या था चंदेरी जो कि कहाँ पे है मध्य प्रदेश नियर अशोक नगर रिजल्ट क्या था मुगल्स जीत गया था एंड बाबर ने चंदेरी का फोर्ट कैप्चर कर लिया था सो दैट कम्प्लीट्स द टॉपिक एंड टूडे क्वेश्चन इज वेन वॉज बैटल ऑफ चंदेरी फोर्ट चंदेरी का बैटल कब लड़ा गया था You need to answer this question in the comment section. And if you have any doubt regarding this video, or if you have any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll put that topic on my channel. So that's it for today. If you like this video, then please don't forget to like, subscribe, and share.